हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए द वुल्फ अमोंग अस 2 में, ऐसे गेम प्ले एलिमेंट्स जो गेम में होने ही चाहिए। और इनमें से कुछ जो मैं अभी पॉइंट्स आगे बताऊंगा, कुछ गेम प्ले एलिमेंट्स डेवलपर्स ने कंफर्म कर दिया कि ये होंगे ही, और कुछ मैं अपने तरफ से भी पॉइंट्स बताऊंगा जो मैं चाहता हूँ द वुल्फ अमोंग अस 2 से। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वुल्फ अमोंग अस 2 टेलटेल गेम्स और गेमिंग कंटेंट के वीडियोस में डालता रहता हूँ इस चैनल पे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है डाइवर्स कॉम्बैट एंड चॉइसेस एंड ब्रांचिंग। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि द वुल्फ अमोंग अस 2 में जो फाइट सीन्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, उसमें चॉइसेस और इम्प्रूव कर दिए जाएंगे, और फाइट्स के दौरान ही आप चॉइसेस पिकअप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सीजन 1 में जो वुड्समैन के साथ स्टार्टिंग में ही फ़ाइट होती है, उसमें आपको बहुत सारे चॉइसेस देखने को मिलेंगे फ़ाइट के दौरान ही। तो उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाएगा इस गेम में, और इस गेम में फ़ाइट सीक्वेंस भी बहुत सारे और डाले जा सकते हैं। और अगर सिर्फ हम लोग सिर्फ चॉइसेस की बात करें तो वो भी इम्प्रूव होगा फर्स्ट गेम के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग थोड़ी और ज़्यादा करेंगे और डिफरेंट एंडिंग्स भी देखने को मिल सकती है। और बेसिकली शॉर्ट में बोलूँ तो चॉइसेस थोड़े ज़्यादा मैटर करेंगे इस गेम में, और ये पॉइंट कन्फर्म्ड है डेवलपर्स के तरफ से। सेकेंड पॉइंट है टोन ऑफ द गेम विल लार्जली बी द सेम। तो इसका ये बेसिकली मतलब है कि वुल्फ अमोंग अस 1 में जिस तरह का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिला था, सीजन 2 में भी वही इन्वायरमेंट यूज़ होगा। हालांकि ये गेम का इंजन है पहले वुल्फ अमोंग अस 1 टेलटेल टूल पे बना है, और ये जो वुल्फ अमोंग अस 2 बनेगा वो अनरियल इंजन पे बनेगा। फिर भी डेवलपर्स ने ये बात कंफर्म कर दी कि गेम का जो सेटिंग है वो आपको 1 जैसा ही देखने को मिलेगा, मोस्ट मतलब ज़्यादातर आपको सीज़न 1 जैसा ही गेम देखने को मिलेगा वुल्फ अमोंग अस 2। और इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट गेम पे काम किया था वो वापस आ चुके हैं इस गेम में अब काम करने, तो गेम वैसा ही रहेगा बेसिकली। थर्ड पॉइंट है ऑल दी लीक्स आर फेक एंड स्टैंडर्ड्स आर हाई फॉर दी वुल्फ अमोंग अस 2। तो यहाँ पे जब डेवलपर्स को दिखाया गया कि वो लीक्स के बारे में, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो ये एक लीक है जो गेम अवार्ड्स 2019 जब वुल्फ अमोंग अस 2 का टीज़र रिलीज़ हुआ था, उससे पहले ये लीक सामने आया था कि ऐसा कोई ट्रेलर आने वाला है। जब डेवलपर्स को ये लीक ये वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बकवास है, और मतलब उन्होंने अपना गेम बनाने का स्टैंडर्ड्स हाई रखा है, वो ऐसा कुछ गेम नहीं बनाएंगे जो आप ये वीडियो में देख रहे हो। तो ये अच्छी बात है कि डेवलपर्स चाहते कि गेम बहुत अच्छा बने, ऐसा ना बने जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो। और ये उन्होंने मतलब कहा कि ये बहुत बकवास है बेसिकली, तो ये एक अच्छी बात है और जो कन्फर्म्ड डेवलपर्स की तरफ से कि ये लीक जो है वो फेक है। ये जो तीन पॉइंट्स आपने सुने अभी वो डेवलपर्स ने कन्फर्म किए। अब मैं जो पॉइंट्स आपको तीन और बताऊंगा जो मैं चाहता हूँ इस गेम से। तो अभी चौथा पॉइंट है वेरियस गेम प्ले एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट एंड सर्चिंग क्लूज फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। तो ये इंस्पायर्ड है टेल्स फ्रॉम दी बॉर्डरलैंड्स से। अगर जिन्होंने टेल्स फ्रॉम दी बॉर्डरलैंड्स खेला है उसमें एक कैरेक्टर फियोना जो एज ए प्लेबल कैरेक्टर ही है, तो उसके गेम प्ले में क्या होता है कि हमें मनी मैनेजमेंट कर हम मनी सेव कर सकते हो। फियोना को मनी मिलता रहता है और चाहे तो हम मनी कलेक्ट करके हम अगर एक्सप्लोर करें तो हमें मनी मिलेगा, और हम मनी सेव कर सकते जिससे हम नए आउटफिट्स ले सकते हैं या फिर एक कैरावान खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि तो और मैं चाहता हूँ वुल्फ अमोंग अस 2 में भी यही हो, क्योंकि वुल्फ अमोंग अस 1 में भी बिग बी को बहुत बार पैसे मिलते हैं लेकिन वो कभी भी शो नहीं होते कितने पैसे हो, उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। एक बार जब हमें मनी मिला था, मनी मिला नहीं था, जब उसके पास बिग बी के पास मनी था तो हमें ऑप्शन आया था कि हम चाहे तो फेथ को मनी दे सकते या फिर नहीं। अगर हम दे भी दे तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका क्या यूज़ होगा। और इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा इन्हेंस करके हमें शो करे कि हमारे पास कितना मनी है, और जो भी हम मनी कलेक्ट करें वो हमें दिखाए स्क्रीन पे, और हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिले मनी यूज़ करने का। तो ये मैं चाहता हूँ इस गेम से। और दूसरा है क्लू, इसी में इंक्लूडेड है क्लूज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन अब हम करने जाए तो ज़्यादा क्लूज़ मिले और हम उसे कनेक्ट करके केस सॉल्व कर सके। तो ये दो बेसिकली एलिमेंट्स मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है स्नो वाइट इज़ अ प्लेएबल कैरेक्टर। तो ये मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हो, और ये लीक्स के भी अकॉर्डिंग ये र्यूमर्स है कि स्नो वाइट सर्टन सेक्शंस गेम के सर्टन सेक्शंस में प्लेएबल कैरेक्टर बन जाएगी।
तो जैसे कि स्टोरी में अगर बिग बी कोई केस सॉल्व करने कहीं और जाता है तो स्नो वाइट फेबल टाउन में क्या कर रही है वो हमें उसकी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी देखने को मिले, तो और इसमें एक और पॉइंट जोड़ दे तो एपिसोड्स थोड़े और बड़े हो सकते हैं। जैसे कि सीज़न वन में भी जब बिग बी कुछ केस सॉल्व करने जाता है, जैसे मेनली एपिसोड 4 और 5 में ज़्यादातर स्नो वाइट दिखी नहीं है, एपिसोड 5 के एंड में वो ज़रूर आई थी लेकिन वो फेबल टाउन में रह के क्या कर रही थी और वो बोलती तो है कि वो बिग बी की मतलब कॉन्टैक्ट चेक कर रही थी या कुछ कर रही थी, तो मैं चाहता हूँ सीज़न 2 में स्नो वाइट का और ज़्यादा जो रोल है वो दिखाया जाए और सर्टन सेक्शंस में एज अ प्लेबल कैरेक्टर भी हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी दो प्लेबल कैरेक्टर से। और डेवलपर्स ने बात कन्फर्म किया है कि स्नो वाइट और बिग बी पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है इस गेम में, तो हमें कुछ सेक्शंस में स्नो वाइट प्लेबल कैरेक्टर देखने को मिल सकती है। जो लास्ट और 6th पॉइंट जो मैं चाहता हूँ द वुल्फ अमोंग अस 2 से, वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन है कि द वुल्फ अमोंग अस 1 के एंड में क्या हुआ, नरेसा क्या फेथ थी या क्या हुआ एंड में, तो इसका आंसर मिलना तो मुश्किल है सीज़न 2 में भी, पर कुछ हिंट्स भी मिल जाए तो चलेगा, क्योंकि डेवलपर चाहेंगे कि जो द सीज़न 2 है वो नए ऑडियंस को भी ज़्यादातर टारगेट करे पुराने के साथ, तो नए ऑडियंस के लिए गेम को थोड़ा न्यूट्रल रखना पड़ेगा, सीज़न 1 से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं। नए कैरेक्टर्स बहुत सारे आने वाले हैं, मे बी सिंड्रेला भी वापस आ जाए और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो आप कमेंट्स में बताते ही रहते हो मुझे, तो इसका आंसर अगर ये लोग हिंट्स दे दे थोड़ा या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन ही दे दे या स्टोरी वहीं से स्टार्ट करे तो बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन जानना बहुत ज़रूरी, 8 साल लोगों ने वेट किया है, ये 8वां साल चल रहा है, क्या पता 9, 10 जब भी गेम रिलीज़ होगा। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे जो मैं चाहता हूँ द वुल्फ अमोंग अस सीज़न 2 से, 3 कन्फर्म थे और 3 मैंने खुद से जो अपने बताए, तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा। E3 जून में होने वाला है, फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं क्या ट्रेलर जून में रिलीज़ हो जाए नया ट्रेलर, तो उसके लिए भी वेट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी लेटेस्ट ऑफिशियल इन्फो या फिर ऐसी वीडियोस आपको देखनी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी या हैव अ गुड डे, बाय।